नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। कोरोना संकट को लेकर झारखंड सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में सर्वदलीय बैठक की, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हुए। सभी दलों के नेताओं से कई अहम सुझाव मिले। सीएम ने कहा कि हर दल कोरोना संकट की लड़ाई में एक साथ है। सीएम ने कहा कि ये समय एकजुटता दिखाने का अवसर है। उन्होंने कहा कि इस संकट में भी कई असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने में लगे हैं, ऐसी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि ये आपदा ऐसी परिस्थिति है कि हर समय बदलाव हो सकता है, केंद्र से ज्यादा मदद मिले। साथ ही कहा कि लॉकडाउन के बाद चुनौतियां बढ़ेंगी, सरकार ने कार्य योजना बनाई है इसके लिए। बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कांग्रेस की तरफ से रामेश्वर उरांव आजसू से सुदेश महतो बैठक में शामिल हुए। जेएमएम लेफ्ट के नेता भी बैठक में मौजूद रहे। हम चाहते हैं कि हम सभी लोग मिलकर इस संक्रमण की जंग को लड़े, और आज इसके लिए जो चिंताएं सरकार की है, वही चिंताएं राज्य के सभी राजनीतिक दलों की भी है, और इसको लेकर हमारी सोच थी कि हम सभी राजनीतिक दलों के विचार विमर्श के साथ कहाँ कमी हो रही है, कहाँ हमारे साथ हमें और बेहतर करने की आवश्यकता है। में अधिकतर लोग खेतीहर और मजदूर हैं। आज इस विकट परिस्थिति में, इस आपदा में कई लोग राज्य के अंदर जहां तहां फंस गए हैं, कई लोग देश के विभिन्न राज्यों में जाके फंसे पड़े हैं। उन सब लोगों को किस तरीके से सरकार की हाथ उन तक पहुंचे, सरकार कैसे उन तक पहुंचे, उनको उनकी सहायता कैसे करे, इन सब विषय पर पूरी चर्चा हुई।